पहला वर्ड है प्लाइट, ठीक है। प्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी सिचुएशन, जिसको कहते हैं हम दुर्दशा। प्लाइट का मतलब होता है बहुत बुरी सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं दुर्दशा। कब होता है ये? मतलब बेकार सिचुएशन को हम और क्या बोलते हैं? बेकार सिचुएशन को हम और बोलते हैं प्रीडिकमेंट। बेकार सिचुएशन को हम और प्रीडिकमेंट भी बोलते हैं। प्रीडिकमेंट मतलब होता है बुरी सिचुएशन। पैंडोराज बॉक्स का भी मतलब क्या होता है? ये एक ईडियम है जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, पैंडोराज बॉक्स। इसका मतलब होता है कि बुरी बुरी चीजों से भरा हुआ डब्बा, ठीक है। मतलब इसका भी मतलब होता है बुरी सिचुएशन, जब किसी की बहुत गंदी सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि इसको बहुत सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कभी किसी के पास खाने के लिए मतलब दो वक्त की छोड़ो एक वक्त की भी रोटी नहीं है, तो उसको भी हम बोलते हैं बहुत बुरी सिचुएशन है। प्रीडिकमेंट, पैंडोराज बॉक्स, मेनेस, हैजार्डस, प्लाइट। इसका उल्टा क्या होगा? बहुत खुश, डिलाइट, जॉय, प्लेजर, इंजॉयबल। देखो ल्यूब्रिकेट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अच्छे से वर्क नहीं कर रही होती है तो उसमें ऑयलिंग कर देते हैं, और जैसे ही ऑयलिंग करते हैं तो वो बहुत स्मूथली वर्क करने लगता है ना। आपका कोई आपके घर में दरवाजा होगा लकड़ी का, लोहे का, लोहे का सपोज दरवाजा है, आप उसको खोल रहे हो, खुल नहीं रहा है, बहुत जाम हो गया है, या तो फिर बहुत आवाज कर रहा है खुलने में, तो पापा लोग कहते हैं कि इसमें ऑयलिंग कर दो, जैसी ऑयलिंग करोगे तुरंत ये सही हो जाएगा। तो यही होता है ल्यूब्रिकेट का मतलब होता है किसी कठिन प्रोसेस को आसान करना, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को, कठिन नहीं, किसी भी प्रोसेस को थोड़ा और ज्यादा इजी, थोड़ा और ज्यादा स्मूथ करना, फैसिलिटेट करना। हाँ, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट करना, ग्रीज, एक्सपेडाइट, अबिट, असिस्ट, अनक्लॉग, ये सब होता है ल्यूब्रिकेट। क्लियर है? किसी भी प्रोसेस को आसान करना ताकि वो एकदम स्मूथली काम करे, फैसिलिटेट हो जाए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो तो भी उसका काम आसान हो जाएगा ना, तो इसका सिनोनिम सपोर्ट भी तो हो सकता है, सपोर्ट करना। और जैसे ही सपोर्ट आएगा तुरंत आपके दिमाग में बटरेस भी आना चाहिए। ये वर्ड तो मेरा फेवरेट है, पता है, इतना मजा आती है इसको बोल के। सपोर्ट, बटरेस, असिस्ट, एक्सपेडाइट, ये इस सब का मतलब होता है अनक्लॉग, कि आप किसी भी डिफिकल्ट प्रोसेस को इजी कर रहे हो। इसका उल्टा क्या हुआ? इसके ऑपोजिट्स बहुत ढेर सारे हैं, और इसके ऑपोजिट्स मैं समझाऊंगी बाद में, पहले मैं आपसे पूछूंगी। किसी के भी रास्ते में बाधा पैदा करना, एक तरफ आप इजी कर रहे हो रास्ते को, दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट क्या हुआ? रास्ते में बाधा पैदा करना। और बाधा पैदा करने वाले शब्द आप मुझे लिख के बताओगे, दो शब्द जो एच से शुरू है, दो शब्द यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे लिख के बताओ, दो शब्द जो एच से शुरू है, दो शब्द जो आई से शुरू है, दो शब्द जो ओ से शुरू है, दो शब्द जो एस से शुरू है। आप मुझे ये 8 सिनोनिम्स लिख के बताओगे स्पीड में, ठीक है। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर आप कल तक भी मेरे लेक्चर में थे तो भी आपको याद हो गया होगा कि बाधा के 8 सिनोनिम्स तो हर किसी को याद होते हैं, जिसमें से दो एच से शुरू है, दो आई से, दो ओ से, दो एस से। ये सबसे पहले आप लोग बता दो, फिर जो भी आज स्टूडेंट आया है, नया स्टूडेंट है, उसको मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन पहले इसको आप लोग मुझे बता दो। दो शब्द एच से शुरू होने वाले, हर्डल और हिंड्रेंस, इम्पासे और इम्पेडिमेंट, ऑक्लूड और ऑब्स्ट्रक्शन, सैबोटेज एक हो गया हमारा शब्द, और एक क्या था एस से, हाँ, स्टाइमी। तो इन सब का मतलब होता है रास्ते की बाधा बनना। और इसको हम याद कैसे करते हैं पुराने वालों का, जो भी नए स्टूडेंट हैं जो आज आए हैं फर्स्ट टाइम, एक बार आप लोग अपनी नजरें कॉमेंट सेक्शन की तरफ ले जाओ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों इस बैच में स्टूडेंट्स इतने इंटरैक्टिव होते हैं, क्यों हर एक स्टूडेंट को सब कुछ याद हो जाता है। इतनी बार वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, इतनी बार वो लोग लिखते हैं कि अपने आप सब कुछ याद हो जाता है।
ठीक है, तो फिलहाल ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं मशरूमिंग। मशरूमिंग, आपने कभी मशरूम देखा है गांव में उगते हुए? मशरूम देखा है उगते हुए? कुछ लोग बट्टा कहते हैं, मतलब बहुत से शब्द होते हैं मशरूम के। मशरूम जब भी उगता है ना ऐसे करके झुंड में उगता है बहुत ज्यादा। तो मशरूमिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है या फिर बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रही है तो उसको हम मशरूमिंग कहते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसने मतलब वो पहले 10,000 रुपए कमाता था, आप उसे 3 महीने बाद मिले तो फिर वो सीधे 30,000 कमाने लगा, फिर 60,000, 90,000, 1,00,000, 2,00,000। तो आप बोलने पर मजबूर हो जाओगे एक साल के बाद, भाई यू आर मशरूमिंग। मशरूमिंग मतलब कि जो तुम्हारी ग्रोथ है इट्स रियली मशरूमिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। यू आर मशरूमिंग मत बोल देना वरना वो वहीं पे उतार के अपने डंडे वंडे शुरू हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो क्या होता है मशरूमिंग, ठीक है, यू आर मशरूमिंग मत बोलना भाई, योर ग्रोथ इज मशरूमिंग, मतलब तुम्हारी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिफाई हो रही है। स्नोबॉल और बर्जियन मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू याद कराया था। स्नोबॉल कैसे याद कराया था, जब भी स्नो गिरती है ना तो पहले इतनी इतनी फिर वो गट्ठर होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है, तो स्नो का मूवमेंट भी ऐसे इंक्रीमेंट होता है। और बर्गर खा खा के इंसान का वेट भी बढ़ जाता है, तो बर्गर का भी मोमेंट बड़ा ही ज्यादा मतलब बर्गर खा खा के इंसान का वेट बढ़ता जाता है। अगर आपको ट्राई मत करना यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधी नहीं, मैं 90% न्यूट्रिशनिस्ट हो चुकी हूँ जब मेरा वेट लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा न्यूट्रिशनिस्ट का जो कोर्स है मैंने पढ़ लिया था जब मैं जब लॉकडाउन था, तो कोई सो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, हमने सोचा कि अपने फ्री टाइम को क्यों ना इसमें यूटिलाइज किया जाए। तो आप सबको पता ही होगा आई लॉस्ट 17 kgs इन 3 months। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या लेनी थी, क्या क्या नहीं लेनी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है वीडियो में। यस, तो बर्गर खा खा के वेट बढ़ता रहता है फिलहाल, ठीक है। तो बर्जियन हो गया, स्नोबॉल हो गया, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, एक्यूमुलेट, इसका ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। यार जब नीचे की तरफ जाने की बात होगी तो ड से जरूर शुरू होगा, डिमिनिश, डिक्लाइन, डी एक्सकेलेट, ड्विंडल, नहीं और भी दो शब्द और थे, एक तो डीके था और एक और था डेबिलिटेटिंग, डेबिलिटेटिंग, हाँ डीके, डेबिलिटेट, ड्विंडल। देखो डेबिलिटेट और ड्विंडल तो नए शब्द सीखे थे ना हम लोगों ने, बाकी तो सब पुराने थे, डिमिनिश, डिक्लाइन, डीके, डी एस्केलेट, बस ड्विंडल और डेबिलिटेट ये हमने नए शब्द सीखे थे। रैशेड, डाउन, रिसीड, रिसीड, एब्ड, एब्ड, वैनिंग, इन सब का मतलब होता है ग्रोथ नीचे की तरफ जाना, मशरूम वर्ब है। इंपेरिकल क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बता दूं शब्द के एंड में एल आ रहा है, तो जब शब्द के एंड में एल आता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब और बताओ और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, अगर हमारे शब्द के एंड में एल आ रहा है तो हम उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, और क्या आएगा हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, बताओ सब लोग। पुराने स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, नए वाले नहीं कर रहे हैं, नए वाले चलो मैं आपको सिखा दे रही हूँ फिर आप लोग भी, ताकि स्पीड में रिप्लाई करो। जब हमारे शब्द के एंड में ए एल आए, ए एल एफ यू एल आई वी ई ओ यू एस बी एल ई और क्या होता है, और एक वो भी होता है बहुत पूछा जाता है सम सम, ये सब जब हमारे शब्द के एंड में आता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मतलब कोई ऐसी चीज जो एक्सपेरिमेंटल हो, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल चीज ही तो एक्सपेरिमेंटल होती है, आप प्रैक्टिकल चीज के ऊपर ही तो एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, है ना। प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, ये क्या है, अच्छा एक्सपेरेंशियल, एक्सपेरिमेंटल, फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, जो एग्जिस्ट करे। प्रैक्टिकल कौन सी चीज होती है, जो रियल हो, एग्जिस्ट करे, फैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, बस एक यही नया शब्द तो आपने सीखा है, एक्सपीरियंस से बना है, एक्सपीरियंशियल। तो एम्पेरिकल का मतलब होता है कि मतलब ऐसे हवा में नहीं बोल देना, प्रैक्टिकल होनी चाहिए वो बात, ठीक है। इसको ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोथेटिकल, कंजेक्चुरल, कंजेक्चर एक कौन सी मूवी थी यार सी से, चलो खैर कोई बात नहीं, विजनरी, हाइपोथेटिकल मतलब बस ऐसी हवा में बातें, मतलब वो प्रैक्टिकल होना हो लेकिन विजन है मेरा ऐसा होगा,
और ये जो आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच दिख रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड दिस बैच. अगर आप मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये बैच आपको, ये बैच इंग्लिश का और इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते हैं. आपको क्या करना होता है, अन अकेडमी प्लस पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे, फिर SSC कैटेगरी को सेलेक्ट करो. आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा एंड इसमें आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं सेलेक्ट करना है बिल्कुल भी, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन में इतना समय लगता है. ठीक. एंड कोड आपसे पूछेगा तो दिस इज योर कोड स्टडी. अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग होंगे जिनको SSC का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, बाकी किसी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके ले लो. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, बाय बाय.